हाय स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ अंकित है। अंकित जो स्टूडेंट है उसको मैंने एक नौकरी से निकलवाया जानबूझ के। ये बता भी सकता है कि ये एक जगह पे प्लेस हुआ, मैं उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, बट दिस इज द ऑफर लेटर ऑफ दैट कंपनी। और बहुत कम सैलरी दे रहे थे, मैंने बोला भाई नौकरी छोड़ दे। मैंने इनके मैनेजर से भी लड़ाई कर ली, मैंने बोला कि आप नौकरी छोड़ के आ जाओ, और उसके बाद फिर अंकित बताएगा कि भाई आगे उसका तुम्हारे कितना इंटरव्यू हुआ, अब कहाँ काम कर रहे हो। तो पहले तो कंग्रेचुलेशन, फाइनली जॉब लग गई, थैंक यू चार सर। पांच दिन में तुम्हारी लगवा दी नौकरी। जी तो अपने बारे में थोड़ा सा बताओ। सर, एज यू नो मेरा नाम अंकित कुमार है। हाँ जी, मैं कन्नौज से आया हूँ। यहाँ हाँ मैंने यहाँ पे सॉलिड वर्क एंड ऑटोकैड का कोर्स किया हुआ है। ठीक है। फिर इसके बाद मैंने मेरा यहाँ से प्लेसमेंट हुआ था कंपनी में, वहाँ पे मेरा सैलरी पैकेज ठीक नहीं लगा था। हाँ, वो फिर वो तो आपको ठीक लगा, मुझे नहीं ठीक लगा। आपने तो जी मान गए थे कि मैं करूंगा वहां काम, फिर जी सर, आपने बताया। जी सर, हाँ, तो फिर हमने जी फोन किया कि बढ़ाओ इनकी सैलरी, तो सर, फिर वो थोड़ी बदतमीजी करने लग गए। हाँ, जी सर। तो फिर हाँ फिर इसके बाद मैंने मेरा ऑलरेडी यहाँ पे एक बार इंटरव्यू हो चुका हाँ था, इसमें टाइम बहुत लग गया था। फिर इसमें टाइम लग गया था। फिर सर का कॉल आया था कि आप आ जाइए, हम आपका, बीच में पर एक दो जगह आपका और हाँ भी मैं हमने गया था वहां कराया। पे, मुझे मेरा हाँ, सिलेक्शन हो गया था, दो जगह लेकिन हो गया था, सरदार जी में भी हुआ था आपका सरदार जी सिलेक्शन। में भी हुआ था और हाँ, बीटीएस में भी हुआ था मेरा, अच्छा। हाँ, और फिर इसके बाद एलॉय भाटिया में भी हो गया था। लेकिन टोटल वो मेरा, कितने इंटरव्यू दिए आपने अब तक? मैंने 3 दिए थे, तीनों में हो गया था तीनों में मेरा। हो गया था। ठीक है। लेकिन वो मुझे जो चाहिए था डेजिग्नेशन, वो मुझे नहीं मिल रहा था। अच्छा, क्या डेजिग्नेशन चाहिए था आपको? मुझे एज ए डिजाइन इंजीनियर जाना था, वो मुझे हाँ, एज ए प्रोसेस इंजीनियर ले रहे थे। जी, एक प्रोक्योरमेंट में ले रहे थे। हाँ, और सरदार जी जी वाले में तो वो बोल रहे थे आपको साथ में क्वालिटी का भी काम देखना क्वालिटी का पड़ेगा। भी काम करेंगे। देखिए, इसमें क्या होता है कि अभी जैसे मैंने विक्टोरिया टूल में भी दो बच्चे लगाए प्रोक्योरमेंट में, मैं तो ये कहता हूँ भाई, अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि डिजाइन डिजाइन में ही जाओगे। यू कैन गो फॉर प्रोक्योरमेंट विद थोड़ा बहुत डिजाइन प्रोसेस भी, बट आपका डिजाइन। तो अब रीतम स्टील से आपका सिलेक्शन हुआ है, ये इनका ज्वाइनिंग लेटर है, ठीक है, जिसमें ज्वाइनिंग लेटर फॉर प्लेसमेंट है क्वालिटी एंड डिजाइन इंजीनियर। तो क्वालिटी का तो यहाँ भी काम दे ही दिया आपको उन्होंने, बट है डिजाइन सर, का भी दिया मेनली है, डिजाइन का है मेनली मेरा, डिजाइन का। ठीक मुझे है, नीचे बस इंस्पेक्शन करना है, देखना है कि अकॉर्डिंग टू डिजाइन काम हुआ है वो कि तो नहीं हुआ। इतना तो मिनिमम करना ही हाँ पड़ेगा, जो बिल्कुल आप सर, डिजाइन कर रहे हो वैसा काम हो रहा है कि नहीं। हाँ अच्छा, तो इसका इंटरव्यू तो यहीं हुआ था, यहाँ दिया था यही कि हुआ कंपनी में? था, यही हुआ था हमारे, अच्छा। दोनों राउंड हमारे यहीं पे हुए थे। फर्स्ट राउंड मेरा बहुत अच्छा गया था, सेकंड राउंड में भी मैंने सबसे पहले ही ड्राइंग अच्छा, तो बना दी थोड़ा सा थी। अपने बारे में बताओ, आपने क्या क्वालिफिकेशन है? मेरा डिप्लोमा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, एंड मैंने हाँ, ग्रेजुएशन भी कर रखा है विद पीसीएम। ग्रेजुएशन तो डिप्लोमा किसी, बीएससी अच्छा बीएससी करा बीएससी है, किया है मैंने, वो कब खत्म हुआ था? वो 2018 में किया था। मैं डिप्लोमा 2021 का पास आउट हूँ। अच्छा, और 2 साल क्या किया था आपने? अच्छा, मैंने जॉब किया है, मेरा डीटी था एमएनसी कंपनी में, न्यू ऑलैंड जो नोएडा में है, वहाँ पे मैं एज ए डीटी था। वहाँ पे 8 मंथ बाद मैंने वहाँ से स्विच कर दिया। फिर मैंने अपने कानपुर में एक कंपनी ज्वाइन की, फ्रंटियर हाँ, स्प्रिंग लिमिटेड, जो रेलवे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक तो वहाँ है, पे मैं एज ए बीएमसी सेटर गया था। ठीक है। मैंने 3 मंथ का एडवांस कोर्स भी कर रखा था, सीएनसी एंड बीएमसी प्रोग्रामिंग का। हमसे नहीं करा? नहीं, हमने मैंने अदर हाँ, जगह गुड़गांव से किया था, मैंने अच्छा, ठीक है, उसी के बी आप पे मैं एज ए डायरेक्ट बीएमसी सेटर गया था। फिर ठीक है। वहां पे मैं प्रोडक्शन में था हाँ, एज ए लाइन लीडर। फिर इसके बाद मैंने वहां से स्विच कर दिया। मैंने सोचा मेरे को डिजाइनिंग में शुरुआत से ही मेरा वो था, तो मैं डिजाइनिंग के लिए आरबीएम कैड आ गया। मेरा यहाँ से यहाँ प्लेसमेंट से क्या हुआ किया था आपने? ऑटोकैड एंड सॉलिड वर्क, सॉलिड वर्क्स किया था। ठीक है, कितना टाइम लगा वो खत्म करने में? 2 मंथ। 2 मंथ्स, ठीक है। अब ये जो रीतम स्टील्स है, इन्होंने क्या पूछा था आपसे इंटरव्यू में, क्या क्या हुआ था? उन्होंने मुझसे जीडीएनटी के क्वेश्चन पूछे थे और कास्टिंग के क्वेश्चन पूछे थे कि आपने, आपको कास्टिंग के विषय में क्या पता है ये कुछ। करते हैं ना कास्टिंग? जी सर, हाँ, हाँ, तो मैंने एक सैंड कास्टिंग कर रखी थी कॉलेज में, अच्छा, एक प्रैक्टिकल था सैंड कास्टिंग ठीक है। का, तो उसी को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि सर सैंड कास्टिंग हम इस प्रकार से करते हैं, राइजर वगैरह लगा के। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा मैं इंस्पेक्शन भी करता था कास्टिंग का एमएनसी ओके, कंपनी में, तो अच्छा हाँ विथ टीपीजी पीपीजी थर्ड प्लग गेज और प्लेन प्लग गेज में, उसके अच्छा साथ वो में सारी मैंने चीजें बता दी आपने। सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया। डिजाइन का नहीं लिया इन्होंने कुछ नहीं, आपसे? सेकेंड राउंड मेरा डिजाइनिंग का ओके, हुआ था। उसमें क्या करवाया? उन्होंने मुझे हाँ ड्राइंग दी हाँ थी कि हाँ ये बनाइए आप, तो सबसे पहले मैंने बना दी थी। फिर उन्होंने मुझसे ड्राफ्टिंग भी कराई सॉलिड सॉलिड वर्क्स वर्क पे में, और ऑटोकैड में भी उसकी ड्राफ्टिंग कराई, अच्छा, ऑटोकैड सॉलिड वर्क दोनों में, दोनों में ड्राफ्टिंग कराई थी मेरे से। ठीक है। और फिर इन्होंने फिर फाइनली बुला के, अब 3 महीने का तो ट्रेनिंग पीरियड रखा है, प्रोबेशन, और फिर फुल टाइम फुल टाइम है जॉब मेरा। रखा है। ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब आप तो देख के करो, एक जी आपका वो बॉन्ड वाला इशू है वो भी हम कर देंगे सॉल्व, नहीं होता तो फिर भी कर लेना, 1-1.5 साल की बात है। ठीक है, वैसे तो बॉन्ड इसमें ऐसा कोई पेनल्टी वनल्टी मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपको उनको देना पड़ेगा, कुछ छोटा मोटा काटेंगे पर मंथ, वो दैट इज योर चॉइस। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि वो भी हट जाए। हाँ, और क्या, और जो इंटरव्यू लिए थे लोगों ने, उनका क्या क्या रहा था?
उनका यही था कि आप आ जाइए ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चंस उन्होंने क्या पूछे? क्वेश्चंस यही पूछे थे, मेरा जो सीवी में लिख रखा था मैंने उस सीवी से ही उठा के क्वेश्चन पूछ देते हैं। अच्छा, सीवी से रिलेटेड क्वेश्चंस की क्या क्या काम किया उसके बारे में समझाओ। हाँ अच्छा, तो उसी को एक्सप्लेन करो। तो उन्होंने बोला ठीक है आप आ जाइए, मुझे मतलब जहाँ भी मैं गया मुझे ये ना, ये किसी ने बोला कि हम आपको। अच्छा चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट, कंग्रेचुलेशन करो, यहाँ पे काम कोई होगा तो फिर आप यहाँ आओ, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो। ठीक है, थैंक यू।